इस वीडियो में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों को कम कीमत पर गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें केंद्र का मुख्य काम है किसानों से MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीदना, उसका सुरक्षित स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन और राज्यों के बीच उसका बंटवारा करना। वही राज्यों का मुख्य कार्य है अनाज के बंटवारे के लिए योग्य लाभार्थियों की पहचान करना, उनको राशन कार्ड प्रदान करना और फेयर प्राइस शॉप की देखभाल करना। फेयर प्राइस शॉप वह दुकान होती है जहां व्यक्ति इन अनाजों को ले सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लाया गया था। तब इसका मुख्य कार्य ये था कि युद्ध के समय अनाज का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसके बाद 1992 में इसका नाम बदलकर रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया, जिसके अंतर्गत दूर दराज के पिछड़े इलाके, पहाड़ी क्षेत्र आदि के वंचित वर्गों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया गया। 1997 में एक बार फिर इसमें सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को अधिक से अधिक लाभ देने की व्यवस्था की गई, जिसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाम दिया गया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत पुअरेस्ट ऑफ पुअर को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज देने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 35 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है। केंद्र सरकार किसान से कच्चा अनाज MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है, फिर वह उसे राज्यों को एक निश्चित प्राइस पर दे देती है, जिसे सेंट्रल इशू प्राइस कहा जाता है। अब राज्य सरकार उसे राज्य के अंदर विभिन्न फेयर प्राइस शॉप को देती है। फेयर प्राइस शॉप उस अनाज को सेंट्रल इशू प्राइस पर लोगों के बीच बांटने का काम करती है। यदि राज्य चाहे तो सेंट्रल इशू प्राइस के ऊपर भी कुछ सब्सिडी दे सकती है। यदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उपयोगिता की बात करें तो ये देश भर में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रदान करता है। किसी अप्रत्याशित स्थिति जैसे अत्यधिक महंगाई, युद्ध आदि की स्थिति में भी अनाज के मूल्यों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। साथ ही यह गरीब परिवार को महंगाई से भी बचाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।